पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड डालेंगे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्विफ्ट पेज डाउन कर दीजिए, ये देखिए बीच में कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरे को सेलेक्ट करके और यहाँ बाहर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, कलर भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए चाहे आप जो कलर करें सब ये कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भाई का मैसेज आया था कि सर इसको किस तरीके से बनाएंगे, एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी को बनाना सीख लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी इमेज कर लेंगे और अपने कोरलड्रा में आ करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो आज हम सीखेंगे कि इस वाले डिज़ाइन को हम कोरलड्रा में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहाँ से हम एलिप्स टूल यानी सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। तो एक सर्कल ड्रा कर लेंगे कुछ इतना सा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं फ्री हैंड टूल पे और जिस तरीके से ये बना है हम भी एक ऐसा ही डिज़ाइन कुछ यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ से इस तरीके से घुमाएंगे और फिर यहाँ से लाकर कुछ इस तरीके से घुमा लेंगे, ठीक है। अभी आपका ये ख़राब बन रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी इसको हम सही कर लेंगे शेप टूल से। शेप टूल पर आ जाएंगे और अब इसको थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। और थोड़ा बहुत इसको इधर, ठीक, ये देखिए हमने वैसा ही यहाँ पे बना लिया। लेकिन अभी ये बिल्कुल पतला है, इसको मोटा भी हमको करना है, कोई बात नहीं, वो तो अभी हो जाएगा, पर एक बार हम शेप तैयार कर लेते हैं उसके बाद। ये हो गया, अब इसके बाद इसमें एक काम है पत्ती बनाना। तो पत्ती भी हम इसी से बना लेते हैं या फिर कोई और टूल से भी आप बना सकते हैं, मैं इसी से बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, और इसको यहाँ से इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। और इसको ब्लैक कलर फिल कर देंगे, आउटलाइन इसका ख़त्म कर देंगे और जूम करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेंगे जितनी हमको ज़रूरत होगी, कुछ उस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पत्ती तो बन गया, लेकिन सबसे मेन काम है ये वाला पहले बनाना। तो हम इसको अब सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर और यहाँ से प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे दोनों तरफ पतला और बीच में जो मोटा है वो वाला, यानी ये, इस पर क्लिक करके और थोड़ा सा इसको यहाँ से स्ट्रोक जो इसका है बढ़ा देंगे। ये हमारा सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ से स्ट्रोक हम बढ़ा देंगे। आप देखिए ये हमने स्ट्रोक बढ़ाया तो ये हमारा बन गया। और आपको मोटा करना है तो यहाँ से और आप मोटा कर सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके से जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप इसे कर सकते हैं। फिर हम शेप टूल पर आ जाएंगे और थोड़ा बहुत इसे और हम स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। इस पर क्लिक करके इसको इधर, इसको थोड़ा सा इधर और इसको यहाँ से राउंड कुछ इस तरीके से, सही है। ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा और स्मूथ कर लेंगे हम ताकि देखने में हमारा सुंदर लगे, ऐसा ना लगे कि बहुत बेकार बना है, कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा, अब इस पर राइट क्लिक करके हम इसको ब्रेक कर देंगे। यहीं पे आपको राइट क्लिक करना है, ब्रेक का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए हमने ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ से पकड़ के खींचेंगे तो ये अलग हो जाएगा एक, बाकी आपको नहीं समझ में आता है तो आप वायर फ्रेम में जाके इसको हटा सकते हैं। अब क्या होगा कि आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा और इसमें कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक गोला देना है तो हम एक यहाँ से गोला बना लेते हैं कुछ इस तरीके से और इसमें भी कलर फिल कर देंगे, आउटलाइन इसका ख़त्म कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सही है हमारा ये। इसी को हम यहाँ भी ला के रख देते हैं और अब ये जो पीछे वाला हमारा गोला है इसको भी हमें मोटा करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऊपर आप आएंगे, देखेंगे आर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे ताकि ये कट जाए और फिर इसको घुमा के यहाँ लाएंगे, बाहर छोड़ेंगे और इस वाले को यहाँ से यहाँ ला के बाहर के रहेंगे। आपका ये जो तीर है ना ये बाहर होना चाहिए ताकि ये खुला रहे, अंदर करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये देखिए। तो इसको आपको बाहर ही रखना है कुछ इस तरीके से, ठीक, ये हो गया हमारा। और इसको भी मोटा करेंगे तो वही स्टाइल अपनाते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल और ये सिलेक्ट ही है, यहाँ से थोड़ा सा इसे हम स्ट्रोक इसका बढ़ा देंगे, ये देखिए हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो अब इसको कम करेंगे स्ट्रोक इसका कुछ इतना सा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे ये देखिए इनका जो है तो कटा हुआ है, हमारा कटा हुआ नहीं दिख रहा है, उसका भी सोल्यूशन है। पहले इसको हम सेट कर लेते हैं लीफ को, यहाँ से लीफ लेंगे और कुछ इस तरीके से करेंगे
और एक यहाँ पे राइट क्लिक करके और इसको घुमा देंगे इधर का, ठीक है, ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लीफ की सेटिंग तो कर ली एक तरफ, बाकी अभी इधर भी करना है, तो इधर भी हम एक बार कर देते हैं लीफ की सेटिंग। इसको यहाँ कर देते हैं और थोड़ा सा एक छोटा कर देंगे यहाँ पे, राइट क्लिक करने से ये डुप्लीकेट हो जा रहा है, ठीक है। आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे बन जा रहा है। इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं जैसा कि इस डिज़ाइन में सेट है, बाकी आप चाहें तो इससे भी अलग बना सकते हैं। देखिए आप आइडिया लेके अलग बनाइए ताकि ऐसा ना लगे कि आपने किसी का कॉपी किया है, लेकिन सीखने के लिए पहले सेम कॉपी करिए, ठीक है। जब सीखना है तो सेम कॉपी करेंगे तो ही समझ में आएगा कि क्या गलती कर रहे हैं, बाकी जब आप सेम कॉपी करना सीख जाएंगे 10 20 25 50 डिज़ाइन, तो फिर आप अपने मर्जी से जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद यहाँ पे घुमा देंगे कुछ इस तरीके से ऐसे, और फिर इसी को यहाँ ला के राइट क्लिक करके और यहाँ घुमा देते हैं इस तरफ, ये हमारा इस तरफ है और ये इस तरफ, और फिर एक इसी का यहाँ पे लाएंगे और इसको सीधा कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। बीच में जगह बच रहा है तो दो और छोटे छोटे पत्ती डाल देते हैं, एक यहाँ पर और इसी को एक यहाँ पर, सही है। तो आप देख सकते हैं कि इतना हमने तैयार कर लिया। अब इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और इस्तेमाल करेंगे कॉन्टूअर टूल का, तो यहाँ पे आएंगे कॉन्टूअर पे और इस पर सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर खींचेंगे इसको कुछ इतना सा, ये सही है, और इस पर राइट क्लिक करके ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद फिर से इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से वाइट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप वाइट करेंगे तो आप देखिए बीच में हमारा यहाँ पे स्पेस बन गया, लेकिन यहाँ पे अभी कम बना है तो वाइट वाला हिस्सा हमको ज़्यादा करना चाहिए था लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसी को रहने देते हैं। थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लें ताकि दिखे, और यहाँ से सेव टूल पर आएंगे और इसको बढ़ा लेंगे हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे एक क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से बढ़ा लेंगे, सही है। अब देखिए इसको वाइट कर देंगे तो ये अपने आप यहाँ से ख़त्म दिखने लगेगा हमारा कुछ इस तरीके से, लेकिन चाहें तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी राइट क्लिक करके ब्रेक करेंगे, क्योंकि इसमें भी दो चीज़ आ गया, ये देखिए, क्योंकि आर्टिस्टिक मीडिया टूल जब भी आप इस्तेमाल करेंगे इसमें दो आ जाता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। व्यू पर आएंगे, वायर फ्रेम पर, ये देखिए इसके अंदर एक पड़ा हुआ है तो इसी को हमको डिलीट करना है। इस पर राइट क्लिक करेंगे बाहर वाले पे और यहाँ से ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद अंदर वाले को डिलीट कर देंगे, फिर आ जाएंगे व्यू पर और यहाँ से इन्हांस कर लेंगे, ख़त्म हो गया। और ये तो हमारा सिलेक्ट ही रहेगा, सफ़ेद कर देते हैं इसको, और फिर शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद अब इसको हम डिलीट भी कर देंगे ना, ये जो वाइट वाला था ये देखिए, ये वाला जो इसका हमने कॉन्टूर टूल से डाला था, इसको हम डिलीट कर देंगे तो भी यहाँ पर हमारा सफ़ेद रहेगा, जो कि अब हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है। वो सफ़ेद रहता तो एक एक्स्ट्रा पार्ट होता और PNG बनाने में दिक्कत करता, अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं करेगा, बैकग्राउंड कोई भी लगाएंगे तो आपको यही दिखेगा। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, पहले बन जाने दीजिए। तो हमारा इतना बन गया, अब इसमें एक्स्ट्रा इन्होंने कुछ लाइनें ऐड की हैं, तो आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक ही लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन पहले वाला ही इससे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को बनाना सीख लिया कोरलड्रा के अंदर, बाकी इस पर आप एक्सपेरिमेंट करके इससे भी ज़्यादा और नया नया डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए और डिज़ाइन बना करके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके टैग कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक बार देख लीजिए पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड डालेंगे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्विफ्ट पेज डाउन कर दीजिए, ये देखिए बीच में कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरे को सेलेक्ट करके और यहाँ बाहर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, कलर भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए चाहे आप जो कलर करें सब ये कलर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हमने सही बनाया है ना, कोरलडा में हमने बनाया है, ऐसा भी नहीं है कि हमने ट्रेस किया, नहीं, देख करके हमने उसको बनाया है। तो फिर आप प्रैक्टिस करिए और सीखिए।